आप ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रयागराज टुडे टेकिंग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्लासेस टुडे डिस्कस्ड अबाउट ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हियर कंसिडर्ड ओनली स्केलर फंक्शन ओनली फॉर ग्रेडियंट सो हियर फर्स्ट आर्टिकल इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स डेल डेल इन सिंबल फॉर्म राइट दिस फॉर्म द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज ऑल्सो रीड एज नेबुला एंड इट इज डिफाइंड एज डेल इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल ऑफ डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल के सो इन द सेकेंड आर्टिकल कंसिडर डिफ्रेंसिएशन ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन हियर कंसिडर ए स्केलर फंक्शन एफ एक्स हुज ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाई डेल ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड और इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेड ऑफ फंक्शन एफ एंड दिस इज डिफाइंड एज डेल एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल विच इज डिफाइंड इन द फर्स्ट आर्टिकल डेल इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल बाई डेल एक्स जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई के टाइम्स डेल बाई डेल जेड देयरफोर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल फ्रॉम द आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल सेकेंड डेल एफ इज योर डेल वैल्यू इज आई बाई डेल एक्स जे बाई जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल जेड एंड फंक्शन एफ सो फंक्शन एफ इज ऑपरेट्स ऑन द थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट डेल बाई डेल एक्स सेकेंड पार्ट डेल बाई डेल वाई एंड थर्ड पार्ट डेल बाई डेल जेड देयरफोर इट इज इक्विवेलेंस टू आई टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल एफ बाई डेल जेड नाउ कंसिडर थर्ड आर्टिकल सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले विच आर डिपेंडेड एंड अबाउट द डिफरेंशिएशन डेल फंक्शन हियर फर्स्ट फार्मूला इज डेल ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज इक्वल टू डेल ऑफ फंक्शन एफ प्लस डेल ऑफ फंक्शन जी हियर फंक्शन एफ एंड जी आर स्केलर फंक्शन एंड सेकेंड इज इफ फंक्शन एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन देन ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ then gradient of function f is equal to 0. Here in the first formula consider two functions f and g which are scalar functions therefore differentiation of sum of functions is equal to sum of differentiation first function and second function. In the second case suppose that function f which is a scalar function is a constant function then its gradient must be equal to 0. Here proof of first. LHS is equal to del of function f plus g is equal to putting the value of del which is defined in the first article I times del by del f plus j times del by del y प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल जेड टाइम्स फंक्शन एफ प्लस जी इन द सेकेंड आर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू आई टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन प्लस जे टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन प्लस के टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यू आर टेकिंग पार्शियली डिफरेंशिएशन अप्लाइड टू द सेकेंड rules means second articles e can explain further so is equal to I times del by del f plus g
प्लस जे टाइम्स डेल एफ प्लस डेल जी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के टाइम्स डेल एफ प्लस जी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड अकॉर्डिंग बाय पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशिएशन रूल एफ प्लस जी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली एंड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ मीन्स फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स फंक्शन जी विच इज स्केलर फंक्शन सो इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई टाइम्स डेल जी बाई डेल एक्स इन सेम प्रोसेस यू कैन एक्सप्लॉइट अदर टू डिफरेंशिएशन सेकेंड एंड थर्ड इन द सेकेंड द फंक्शन एफ प्लस जी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई देयरफॉर एक्सप्लॉइट इन टू फॉर्म एंड इज इक्वल टू जे टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जे टाइम्स डेल जी बाई डेल वाई एट लास्ट थर्ड फंक्शन इज ऑल्सो एक्सप्लॉइट एंड राइट इन द फॉर्म डेल एफ बाई डेल जेड प्लस के टाइम्स डेल जी बाई डेल जेड हेयर इन दिस एक्सप्लेनेशन इन द इक्वेशन कंसीडर्ड ऑल फंक्शंस सेम टाइम फंक्शंस इन वन ब्रैकेट एंड ऑल फंक्शंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम फंक्शन जी इन द सेकेंड ब्रैकेट सो इन द फर्स्ट फंक्शन कंसीडर फंक्शन एफ ऑल पॉइंट्स एंड सेकेंड ब्रैकेट कंसीडर फंक्शन जी ऑफ ऑल पॉइंट्स सो इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल एफ बाई डेल एफ प्लस जे टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल एफ बाई डेल जेड प्लस सिमिलरली कंसीडर सेकेंड फंक्शन आवर सेकेंड फंक्शन इज स्मॉल जी सो स्मॉल जी फंक्शंस आई टाइम्स डेल जी बाई डेल एफ प्लस जे टाइम्स डेल जी बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल जी बाई डेल जेड डेल जी बाई डेल जेड इन द फर्स्ट ब्रैकेट एफ इज कॉमन फंक्शन सो टेकन आउटसाइड एंड इन सेकेंड ब्रैकेट जी इज कॉमन फंक्शन सो ऑल्सो टेकन आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड इज राइट इन द फॉर्म आई टाइम्स डेल वाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल जेड फंक्शन एफ टेकन आउटसाइड विच इज ए स्केलर फंक्शन सिमिलरली इन द सेकेंड ब्रैकेट फंक्शन जी इज कॉमन therefore taken outside from the bracket and is write in the form I times del y del x plus j times del y del y plus k times del y del z and here write 2 in this equation apply two article second from the article second differentiation of f partially differentiating which is equal to gradient of f similarly differentiation of function g partially differentiating which is equal to gradient of g so here write from the article second del f plus del g which is equal to rh hence proved so it is clear that differentiation of some functions that is gradient of some functions is equal to sum of gradient of first function and sum of gradient of second function now consider second condition in the second condition f is a constant function so prove that differentiation means gradient of function f is equal to zero Now consider second function, gradient of second function. In second case, gradient of function f is equal to zero. That is gradient
of function f is equal to 0. Here f is constant function, therefore gradient of must be equal to 0, and prove this formula. Gradient of f means del f is equal to I times del y del f plus j times del y plus k times del y del z of function f. With help of the formula at first means article first, function f taken in bracket and write in the form del y del f by del f plus j times del y of function f plus k times del f by del z. In this equation, function f is a constant function whose taking partially differentiating, therefore partially in the case of differentiating, if any function is constant function, then differentiation of that function must be equal to 0. So differentiation of f partially differentiating. So in first part, differentiation of function f with respect to x, and second part, differentiating of f with respect to y, and at last third part, function f taking partially differentiating with respect to z. But here function f is a constant function, therefore according by differentiation theory of any function must be equal to 0, because f is a constant function. So is equal to I times 0 plus j times 0 plus k times 0, which is equal to 0 and is equal to RHS. Hence proved. Therefore, if any function f is a constant function, then gradient of that function must be equal to 0. Now consider some questions which are related from the gradient of the function. So write first question. Our first question is, if vector r whose mod is equal to r, where vector r is equal to xi plus yj plus zk, then prove that first del fr is equal to f dash r and gradient of r. In the second case, second question is, differentiation of vector r is equal to one by r vector r by mod of r, means unit vector of r. In the question given, a vector r whose mod is equal to small r, r is a position vector whose coordinates is defined as xi plus yj plus zk, and this is symbol of del, means gradient of function fr. Here function f is a function in parameter I, therefore consider first equation in the first taking LHS form, LHS is equal to gradient of fr. From the article first, putting the value of gradient means del, which is equal to I times del by del f plus j times del by del y plus k times del by del z times function fr, which is function in parameter I, according by second article bracket open and differentiating partially differentiating of function fr with respect to
x with respect to y and with respect to z. Therefore, is equal to I times del fr by del x and j times del fr by del y plus k times del f by del z. F is function in R. In this differentiation, function f in the parameter R and taking partially differentiating with respect to x. Therefore, here use the substitution methods of differentiation. So first taking differentiating function fr with respect to R, and after then R differentiating with respect to x, because R is related x, y and z parameters. So according by differentiating rules, I del f r differentiating with r into del r by del x plus j times del f r by del r into del r by del y plus k times del f r by del z del f r by del r into del r by del z. In the part del fr by del r is equal to differentiation of function fr, therefore is written in f dash r, because here not clear the what is the function of fr, so you cannot differentiate clearly in this here, so is equal to write in f dash r plus into del r by del f plus j times f dash r del r by del y plus k times f dash r and del r by del z. F dash r here is in common form, so taken outside from the bracket. Also del r by del f is equal to vector r by r, and here calculate the value of r square is equal to x square plus y square plus z square, taking differentiating two times, and write del r by del x is equal to 2x. So del r by del x is equal to x by r. Apply to this formula for the partially differentiating dr by dx, dr by dy and dr by dz. Therefore, we write in the form x by r, first taking f dash r outside in the bracket, I times x by r plus j times y by r plus k times z by r. R is modulus of vector r, which is given in the question. R is equal to mod of r. So r is a quantity taken outside from the equation, and write in the form f dash r by r in bracket xi plus yj plus zk is equal to, in the question given, vector r is equal to xi, yj, zk. So here this part is replaced by this equation, means xi plus yj plus zk is equal to vector r. So putting this value and write f dash r, f dash r. F dash r vector r by r equal to RHF, hence proved. Consider second question. Our second question is gradient of log r vector r and the mod form is equal to vector r by r square.
taking LHS sites. In LHS site, the gradient of log r. But given that mod of r is equal to r quantity vector r, so mod of r is replaced by r and is equal to del log r. Here putting the value of del gradient, which is equal to I times del by del x plus j times del by del y plus k times del by del z times log r. Breaking bracket and taking log r in the inside and means taking partially differentiating of log r with respect to x, with respect to y and with respect to z. So here is equal to I times del log r by log r by del x plus j times log r by del y plus k times del of log r by del z. In the partially differentiating half function log r with respect to x, with respect to y, with respect to z, used by substitution methods of differentiating. So first differentiating log r with respect to r, and after then r is differentiating with respect to x. Similarly in the case of y, in the case of z. So is equal to I times del log r by del r and del r by del r by del x plus j times del log r log r by log and del r by del y plus k times del log r by del r and del r by del z. Log r differentiating with r, so is equal to 1 by r according by differentiating formula. So I times 1 by r and del r by del x plus j times 1 by r del r by del y plus k times 1 by r by del z. Here first calculate the values of del r by del x, del r by del y and del r by del z. Applying, taking here r square is equal to x square plus y square plus z square. Taking partially differentiating of this equation both sides with respect to x and with respect to y and with respect to z. Therefore is equal to del r by del x is equal to x by r. Similarly del r by del y is equal to y by r, and at last del r by del z is equal to z by r. Putting these values in this equation and find the complete solution. So is equal to I times 1 by r. Here write x by r plus j times 1 by r y by r plus k times 1 by r and z by r. I, j and k combined with x, y and z and others matters taken outside. So 1 by r square taken outside, in the bracket right, I times x plus j times y plus k times z. In the question given, I times x plus j times y k times z is vector r. So this bracket is replaced by vector r. So 1 by r square and bracket vector r, which is equal to RHS.
and proved. So a same process for log r is equal to r by r square, taking first differentiating partially of log r with respect to x, y, z, but r is the differ function from x, y, z. So according by differentiation methods, log r first differentiate with respect to r, and then r differentiate with x, similarly in second part and third part, and del r by del x, here this value calculate from this equation. The equation is equal to r square, x square plus y square plus z square, taking partially differentiating one times from x. So del r by del x is equal to x by r, and then this equation partially differentiating with respect to y. So del r by del y is equal to y bar r, and at last this equation differentiates with respect to z, partially differentiating, and is equal to del r by del z is equal to z by r. Putting these values in this equation, here this, this and this is equal to I times 1 by r taken common, here r also taken common, so r square in the bracket is remain x times I, y times j, and k times z. But in the question given that I, x, y, j, z, k is equal to vector r, so vector r is divided by r square, which is RHS of the given formula, and hence it is complete. Consider next question. Here in the next question given function phi x y z is equal to x y square z, and function f, f is a vector function, is equal to x z, x z times I minus x y times j plus y z square k. So find the value of, find del q of phi f vector f with respect to del x q del z at the point 2, minus 1, 1. In this question, given that a scalar function phi is equal to x, y square, z, and a vector function I times x, z, j times x, y, and k times y, z square. Our aim is differentiating three times, partially differentiating of function phi f three times, first with respect to z in partially differentiating, and after then differentiating with respect to y. So is equal to write to, sorry, 1 minute. Yeah, write to, because one time partially differentiating with respect to z and two times with respect to x in the solution. In the solution, first calculate, given that, given the scalar function phi x, y, z is equal to x, y square, z, and vector function f is equal to x, z, I minus x, y, j plus y, z square k. First calculate the value of phi f, means multiplication of phi with vector f. So so phi f is equal to, putting the value of phi x y square z in the bracket, and in the second bracket putting the value of vector function f, which is x z times I minus x y times j plus y z square k, taking multiplication, and is equal to
एक्स वाई स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई एक्स जेड, सो एक्स 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 स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टाइम साइन, एंड सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब टाइम्स जेड जे प्लस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर टाइम्स के इज इक्वल टू फाइव वेक्टर एफ एंड टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड taking partially differentiating both sides with respect to z. One time again considered multiplication, so x y square z x square y square z x square y square z square, yes z square, and second case x square y cube z x square y cube z, at last x y cube and z square x y cube and z square, so multiplication is okay and taking the partially differentiating both sides here, yeah, right. Del phi f divided by del z is equal to del by del z of functions x square z square y square I minus x square y cube z times j plus x y cube and z square k, bracket open, and taking partially differentiating of first part, second part and third part, so is right in the form I j k are constant unit vector, so taking outside from the differentiating because these are constants, so I times del by del z x square z square y square minus j times del by del z of x square y cube and z plus k times del by del z of x y cube and z square. In the case of partially differentiating, such that here partially differentiating of function x square z square y square with z, so x and y components will be constant, so taken outside from the differentiating is right in the form x times x square y square and differentiating only taking z square, similarly minus j times here. In the second case x and y are constant factors, so taken outside from the differentiating and x square y cube and differentiating with respect to z, and k times here constants are x y cube, so taken outside x y cube and partially differentiating of z square only. Differentiating will be same methods of differentiation which explain and read in the intermediate classes. So differentiating of z square with respect to z is equal to 2z, and differentiating of z with respect to z is equal to 1, and same as z square is equal to 2z, so right here, and 2 times I 2 x square y square z minus
j टाइम dx स्क्वायर y क्यूब प्लस k टाइम 2 dx y क्यूब एंड z. यू कंसीडर इज इक्वेशन फर्स्ट. इन द इक्वेशन फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ फंक्शन phi f, हियर f इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज इक्वल टू I times 2 x square y square z minus j times x square y cube plus k times 2 x y cube z. According by questions, now this is incomplete, and for completing to the question, again differentiating two times with respect to x, means taking partially differentiating of equation second with respect to x in two times. So one times taking, again differentiating. In the equation first, taking partially differentiating of phi function f, phi f with respect to, partially differentiating with respect to z, which is equal to this. Now according by question, taking again partially differentiating with respect to x. So taking partially differentiating, taking partially differentiating with respect to x both sides. In the LHS side, write del square phi f vector divided by del f del z is equal to, here I is constant, 2 is also constant, so taken 2y outside, write del y del f of x square y square z, and second j is constant, so taken outside from the differentiation, and write del by del f of x square y cube plus 2k constant, and taking partially differentiating of x y cube z with respect to x. In the first part, taking partially differentiating of x square y square z, therefore y and z variables will be constants, and second case also y will be constants, and this y z will be constant. So constant taken outside from the differentiation, and write 2 times I y square z, only taking partially differentiating of x square minus y component are constant, so j times y cube taken outside, and taking partially differentiating of x square only plus 2k, and y and z components are constant, so taken outside, and write 2k y j cube z, and differentiating of x only with respect to x. Here differentiating of x square with respect to x is equal to 2x. Differentiating of x square with respect to 2x is also equal to 2x. At last, differentiating of x with respect to x is equal to 1. So putting these values in this equation and find to differentiation is equal to 2i, 2 and 2, right here 4, 4 times I y square z x, and minus 2 times I y cube x plus 2 k y cube z is considered equation second. But our calculation is not complete here, so I want to one time again differentiating, partially differentiating of equation second with respect to x. So taking differentiating again, and write del cube phi f by del x square del z is equal to, 4i are constants value, so taken outside, and write del by del x of y square z, y square z x minus 2i taken outside, and del by del x of y cube
yes, plus 2k taken outside and del by del f of y cube set. Here partially differentiating of y square z, so y and z are constant components taken outside, is right in the form 4i y square z del by del f s minus 2i y cube taken outside, and write del by del f by s plus 2k taken outside and y also, because y component is constant variable with respect to x, y and z both. So differentiating of del 1 with respect to x, 1 is constant, so this value is equal to 0 and this value is equal to 1 and this value is also equal to 1, because x differentiate with respect to x, x differentiate with respect to x, and 1 which is constant digit, therefore differentiation will be equal to 0. So is equal to 4i y square z, 4y square z minus 2j y cube 1 plus 0 is equal to 4i y square z minus 2j y cube is equation third. Equation third is complete, but here putting the value of x, y and z according by question in the equation third, differentiating of phi f with respect to x square and z, means with respect to z, and 2 times with respect to x in partially form, and is equal to 4i y square z minus 2j y cube. Now putting the value of x, y and z and find the final evaluation when final differentiation of the given equation. From equation third, putting the values of x, y and z according by question in the question given, that find the value of phi f with respect to z and x square. So at the point x is equal to 2, y is equal to minus 1 and z is equal to 1. Here in the right side, putting x is equal to 2, y is equal to minus 1 and z is equal to 1. So 4i y is equal to 1, so minus 1 whole square, and z is also 1, minus 2j y is equal to minus 1 whole cube, and x is absent, so x neglecting, and z is also absent, so z also neglecting, and calculate this value is equal to 4i minus and minus plus 2j. So it's complete solution of the given question, and find the value of del phi 3 times at the points 2 minus 1 1 1, which is equal to 4i plus 2j. Now consider next question is 6. In the question 6, consider next question are related from directional derivative of any scalar function with in the direction of given any vectors. So find the directional derivative of function f which is a scalar function and is equal to xy, yz and zx in the direction of the vector
ऑफ द वेक्टर, वेक्टर इज आई टाइम्स आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे प्लस टू के एट पॉइंट वन टू सिक्स. सो इन द क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर फंक्शन एफ एक्स वाई वाई जेड जेड एफ इन द डायरेक्शन आई प्लस टू जे प्लस टू के एट द पॉइंट 1 2 0. सो इन द सोल्यूशन गिवेन फंक्शन गिवेन फंक्शन इज फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स. अकॉर्डिंग बाय थ्योरी ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन एनी डायरेक्शन फर्स्ट कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ. हियर आई वांट टू राइट फार्मूला डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो फार्मूला इज ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ डॉट वेक्टर ए एट दैट पॉइंट, पॉइंट इज 1 2 0 1 2 0 इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एस इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन. हियर ए कैप इज यूनिट वेक्टर इन द गिवन वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस टू के. सो फर्स्ट कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एट दैट पॉइंट, मीन्स पॉइंट इज 1 2 0. आफ्टर देन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर्स ऑफ गिवन वेक्टर्स आई प्लस टू जे प्लस टू के. सो हियर राइट इक्वेशन फर्स्ट फॉर इजी कैलकुलेशन एंड फर्स्ट कैलकुलेट डेल एफ डेल एफ डेल डेल इज अ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड इन फर्स्ट आर्टिकल. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल विच इज इक्वल टू आई टाइम डेल बाय डेल एफ, आल्सो पुटिंग एफ इन द कंप्लीट फॉर्म. सो आई टाइम्स डेल एफ बाई डेल एफ एंड जे टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल एफ बाई डेल जेड. एफ एफ इज स्केलर फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एफ. सो पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन एंड टेकिंग पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग. सो आई टाइम्स डेल एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स is taking partially differentiating with respect to x plus j times del xy plus yz plus zx differentiating partially with respect to y plus k times del xy plus yz plus zx with respect to z. In the first part, second part, third part is partially differentiating with respect to x, y and z of the given function, scalar function f. So, with respect to x, y will be constant and y, z both will be constant and z will be constant. So, after differentiating, putting the value of this is equal to 0 and is equal to z and is equal to y. Here, you can write in the form I del by del f x, y plus del by del x y z plus del by del x z x plus j times in the bracket del by del x y of x y plus del by del y of y z plus del by del y of z x. At last, in the third part, differentiating with respect to z, so x, y differentiating, partially differentiating with respect to z and y, z with respect to z and at last del z x by del z. In the partially differentiating y constant, so this differentiation is equal to
is this differentiation is equal to y only, del x by del x is equal to 1, and yz are both constants with respect to x, so is equal to 0. And at last, zx, z is constant, so taken outside from the differentiation, and del x by del x is equal to 1, so here remain part is only z, right z, plus j, in same process taking second part and third part. So y is constant, so y and yz both, no, y, x is constant, so x, because here taking partially differentiation with respect to y, so y is, x is constant, so x, and z is constant, so z, and z and x both are constant with respect to y variable, so is equal to 0. At last, k, taking partially differentiating with respect to z, therefore x and y both will be constants, so first is equal to 0, and second is equal to y, and third is equal to x. On simplification, this equation is equal to I times y plus z, j times x plus z, and k times y plus x. Our aim is find the value of del f, means gradient of function, scalar function f at the point 1 to 0. So putting x is equal to 1, and y is equal to 2, and z is equal to 0 in this equation, means suppose that is equation second. So putting the value of x is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to 0 in equation second. Then del f at the point 1 to 0, 1 to 0 is equal to I times x is equal to 2 and z is equal to 0 plus j times x is equal to 1, x is equal to 1 and z is equal to 0 plus k times, in the k times y plus x, y is equal to 2 and x is equal to 1, so 2 plus 1. After simplification, it is write in the form 2y plus j plus 3k. Write equation third. So in the equation third, complete value of gradient f at the point 1 to 0, so is equal to 2y plus j plus 3k. Now remain part is cap A, means unit vector along given vector I plus 2 j plus 2k. Now calculate the unit vector along directional vector I plus 2 j plus 2k. So here now calculate the unit vector, means a cap of the given directional vector I plus 2j plus 2k, given directional vector is I plus 2j plus 2k. So unit vector of along this vector is equal to, denoted by small a cap, so a cap is equal to vector A. Suppose that is equal to vector A, so vector A divided by mod of vector A by formula which is discussed in the vector calculus. So putting the vector A, I plus 2j plus 2k divided by mod of I plus 2j plus 2k is equal to, taking modulus of given directional vector I plus 2j plus 2k, so I plus 2j plus 2k under root of whole square of I coefficient, means 1,
होल स्क्वायर ऑफ जे कोएफिशिएंट मीन्स टू टू होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ के कोएफिशिएंट मीन्स टू सो टू स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस टू के इज डिवाइडेड बाई वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मीन्स फोर फोर एट वन नाइन इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू थ्री देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द गिवन डायरेक्शनल वेक्टर आई प्लस टू जे प्लस टू के इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस टू के बाई थर्ड बाई थर्ड बाई थर्ड कंसिडर इज इक्वेशन फोर सो विथ हेल्प ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज डेल एफ एट द पॉइंट 120 डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एस इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एस ऑफ द गिवन फंक्शन स्केलर फंक्शन एफ सो हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल एफ बाई डेल एस इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस थ्री के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक एफ इज इक्वल टू आई बाई थर्ड प्लस टू बाई थर्ड जे प्लस टू बाई थर्ड के इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एफ इन द डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कैलकुलस थ्योरी आई प्रोडक्ट विथ आई जे प्रोडक्ट विथ जे एंड के प्रोडक्ट विथ के आई स्क्वायर इज इक्वल टू वन जे स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड के स्क्वायर ऑल्सो इज इक्वल टू वन पुटिंग दिस वैल्यूज एंड राइट जे आई कोएफिशिएंट इज टू बाई थर्ड प्लस जे टू बाई थर्ड प्लस के थ्री एंड थ्री कैंसिल ओनली इज टू इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एफ कैलकुलेट दिस फ्रैक्शन एंड फाइंड द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विच इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स बाई थर्ड इज इक्वल टू टेन बाई थर्ड टेन बाई थर्ड सो टेन बाई थर्ड इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ सो इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन ओके दैट्स इट ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन एट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड टू पावर फोर एट द पॉइंट टू माइनस वन वन सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी शॉर्ट बिकॉज इट इज शॉर्ट क्वेश्चन सो इन द गिवन गिवन स्केलर फंक्शन एफ सपोज दैट दिस इज स्केलर फंक्शन एफ सो राइट एफ इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड टू पावर फोर फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन रिकॉर्डिंग बाई फार्मूला ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू डेल एफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आई टाइम्स डेल वाई डेल एफ प्लस जे टाइम्स डेल बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स डेल बाई डेल जेड ऑफ फंक्शन एफ बाई हेल्प ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल फंक्शन एफ taken inside the bracket and taking partially differentiating of the function f with respect to x, y and z in I times del f by del x plus j times del f by del y plus k times del f by del z. Putting the value of function f from equation first which is given that 2x square minus y minus z to power 4. So I times
डेल 2x² माइनस वाई माइनस जेड पावर 4 बाई डेल एक्स प्लस जे टाइम्स डेल ऑफ 2x² माइनस वाई माइनस जेड टू पावर 4 इज डिवाइडेड बाई डेल वाई एट लास्ट के टाइम्स डेल ऑफ गिवन फंक्शन 2x² माइनस वाई माइनस जेड टू पावर 4 बाई डेल जेड पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड टू स्लाइड टू दिस ब्रैकेट एंड राइट इन द इंडिविजुअल फॉर्म आई टाइम्स 2 टेकन आउटसाइड्स डेल x² बाई डेल एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड टू पावर 4 बाई डेल एक्स जे टाइम्स हेयर 2 टेकन आउटसाइड्स 2 डेल x² बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बाई डेल वाई माइनस डेल जेड टू पावर 4 बाई डेल वाई प्लस के टाइम्स 2 टेकन आउटसाइड्स एंड डेल x² बाई डेल जेड माइनस डेल वाई बाई डेल जेड माइनस डेल जेड टू पावर 4 बाई डेल जेड इन दिस इक्वेशन डिफ्रेंशिएशन इज ए पार्शियली डिफ्रेंशिएशन सो इन द केस ऑफ x y एंड z विल बी कांस्टेंट इन द केस ऑफ y x एंड z विल बी कांस्टेंट एंड इन द केस ऑफ z x एंड y विल बी कांस्टेंट सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ देम विल बी जीरो इन द फर्स्ट ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² इज इक्वल टू 2x सो इज इक्वल टू 4x माइनस y इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x सो इज इक्वल टू 0 एंड z इज आल्सो कांस्टेंट सो 0 प्लस j टाइम्स हियर पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू y सो x इज कांस्टेंट सो 2 इंटू 0 एंड माइनस 1 एंड z इज आल्सो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 प्लस k टाइम्स x कांस्टेंट एंड y विल बी कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू z सो फर्स्ट पार्ट 0 आल्सो सेकंड 0 एंड द थर्ड इज इक्वल टू माइनस z पावर 3 बिकॉज x एंड y आर कांस्टेंट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 4 आई एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस j एंड इज इक्वल टू माइनस 3 z क्यूब टाइम्स k इन द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन इज 2x² माइनस y माइनस z मीन्स फंक्शन f एट द पॉइंट 2 माइनस 1 1 सो एट द पॉइंट 2 माइनस 1 1 मस्ट बी पुटिंग x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन सेकेंड सो इन द इक्वेशन सेकेंड पुटिंग x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 1 and z is equal to 1 then the required gradient means del f at the point 2 minus 1 1 1 is equal to 4 I into x is equal to 2 so we write 2 minus j and minus 3 times माइनस 3 इंटू 1 टू पावर 3rd k आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 8 आई माइनस j एंड माइनस 3 k सो इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन ओके थैंक्स